नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी संगठन को एक करने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि अब कांग्रेस के अंदर लोबिंग की बात सामने आई है। दरअसल पद को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ हो गई है। पूर्व मंत्री व राव विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूं और पीसीसी मानने को तैयार नहीं है। वहीं पटवारी के बयान पर भाजपा ने कहा कि कांग्रेस में नेता खुद को स्वयंभू बताने में जुटे हुए हैं। हाल ही में एमटी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। हालांकि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी अभी अपने आप को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बता रहे हैं। बता दें कि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि अभी प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष यथावत हूँ। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता जीतू पटवारी, सुरेंद्र चौधरी, बाला बच्चन, राम निवास रावत प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। वहीं पीसीसी उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जैन ने कहा है कि इस बार कार्यकारी अध्यक्ष की व्यवस्था नहीं है, पीसीसी के सिंगल अध्यक्ष कमलनाथ हैं। पीसीसी उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जैन का कहना है कि कमलनाथ दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं। नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो गया है और इस बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की व्यवस्था नहीं है, इस बार सिंगल अध्यक्ष कमलनाथ हैं। जीतू पटवारी और कांग्रेस की चुटकी लेते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि कांग्रेस नेता अपने आप को स्वयंभू साबित करने में जुटे हुए हैं। जीतू पटवारी कार्यकारी अध्यक्ष कमलनाथ अपने आप को भावी सीएम बता रहे हैं। कांग्रेस इसीलिए खत्म हो रही है। कांग्रेस नेता पद के लिए राजनीति करते हैं, जनता के लिए नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।